पूरे मुल्क की तरह सांगला हिल में भी मुहर्रम अल हराम नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर मजालस का सिलसिला जारी है, जिसमें वाकया करबला और शहदा करबला की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र किया जा रहा है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाकया करबला हमें हक को बातिल में फर्क बताता है और हक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का सबक देता है। शहीद करबला ने इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हमीद निजामी रोड, मेन बाजार, कमेटी बाजार, फैसलाबाद रोड से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह कसरे ज़ैनब पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पानी की सबीलें और वसी लंगर का इंतजाम किया गया। मुहर्रम अल हराम में शहर और तहसील भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के जवान तैनात हैं और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। सिक्योरिटी में 1122 के जवान, महकमा हेल्थ और तहसील म्यूनसिपल कमेटी सांगलाल के जवानों ने ड्यूटी सर अंजाम दी और जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यौम अशूरा के मौके पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही, जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। SHO थाना सिटी मजर हुसैन का कहना था कि तमाम मसालक के उलमा से मुलाकात की गई और इनसे अपील की गई है कि मुहर्रम अल हराम में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इदारों का साथ दें और इस मुबारक माह मुहर्रम में किसी किस्म का मजहबी इंतजार ना फैलाया जाए। 10 मुहर्रम अल हराम में बरामद होने वाले जुलूस के रूट्स पर महकमा की जानब से इंतजाम मुकम्मल किए गए। मरकजी जुलूस के रूट्स पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पानी की टैंकर को तश्कील दी गई।